नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पीहूस क्रिएटिविटी। आप सबको पीहूस क्रिएटिविटी में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ मैक्रम से बनाएगी जो ब्रेसलेट है, वो ये मिनी मैक्रम है, बड़ा वाला मैक्रम नहीं है। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है और इसको आप ब्रेसलेट जैसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई ओकेशन में जा रहे हो तो भी पहन सकते हो, नहीं तो ये रेगुलर यूज़ के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, मैंने इसको बस 10-15 मिनट में ही बना लिया है। तो आप लोग घर पर अगर बैठे हो तो ऐसे क्यों बैठे रहे, इसको बनाइए और पहनिए और इन्जॉय कीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर का मोती लिया है, ब्लैक वाइट कलर, ये मेरे पास पुरानी पड़ी थी, आप कोई भी मोती यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का जो थ्रेड आता है उसको लिया है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का मिनी मैक्रम लिया है और येलो कलर का मिनी मैक्रम लिया है। आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले ब्लैक कलर के एक धागे को मेरे हाथ मेजरमेंट करके इसको कट करके इसको ऐसे नॉट लगा दिया मैंने। फिर येलो कलर का भी मैंने एक मेजरमेंट करके 1 मीटर का उसको मैंने ऐसे नॉट लगा लिया है। ठीक है, अब नॉट लगाने के बाद हमें करना है कि मैक्रम जो है इसको धागे के अंदर डाल के इसका जो सर है उसको कट कर देना है, सॉरी मैक्रम नहीं, सिल्वर जो है थ्रेड, और उसके अंदर से मोती को डालना है। और मोती डालने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, आप लोग कोई भी सुई वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, मैंने मोती डालने के लिए यूज़ किया है। और फिर येलो वाला जो मैक्रम है उसको मैं ब्लैक वाले के नीचे में रख दूँगी और ऐसे करके यू शेप करके जो हम स्क्वायर नोट लगाते हैं ना, स्क्वायर नोट लगाएंगे ऐसी एक के बाद एक स्क्वायर नोट लगाते जाएंगे। बहुत ही ईजी है स्क्वायर नोट लगाना। आप लोगों को अगर नहीं पता है कैसे स्क्वायर नोट लगाते हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं शायद इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। बस दाएं तरफ लगा लिया, फिर बाएं तरफ, मतलब दो स्क्वायर नोट लगा के मैं करूँगी। आप लोग चाहे तो एक स्क्वायर नोट लगा के भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे 2 करके लगाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए पहले ही लगा लिया इसको स्क्वायर नोट 2। अब उसके बाद मैं ब्लैक कलर का जो बड़ा वाला मोती है उसको यूज़ करूँगी, उसको इसके अंदर डाल दिया थ्रेड की मदद से। और इसको डालने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं जो हमारा स्क्वायर नॉट है उसको लगाऊंगी। स्क्वायर नॉट लगाना बहुत ही आसान है, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रख के करना है, ऐसे बिगड़ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप हाथ की मदद से अच्छे से ऐसे इसको नॉट लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा लिया है एक, फिर इधर दाएं तरफ लगा ली, फिर बाएं तरफ एक नॉट लगा दिया है। बस लगा लिया हमने नॉट। अब इस नॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं और एक नॉट लगाऊंगी, मतलब 2 करके लगाया मैंने, आप लोग एक भी लगा सकते हो। इसको देखिए ऐसे बीट्स को इसके अंदर थोड़ी सी सेट करना है और इसके बाद मैं और एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। बहुत ही ईजी है स्क्वायर नॉट लगाना, आप लोग बहुत ही अगर बिगिनर भी हो ना तो सिंपल तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको। अब इसको कर दिया है, इसके बाद मैं फिर से और एक ब्लैक कलर का यहाँ पे बीट लूँगी, आप लोग कोई भी बीट ले सकते हो। ठीक है, और इसको इसके अंदर डाल दिया मैंने। इसके अंदर डालने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर जो स्क्वायर नॉट है उसको ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं ये जो वाइट और ब्लैक कलर का एक सुंदर सा मेरे पास थी मोती है, पुराना है, तो इसको आप इसके अंदर में ऐसे डाल दूंगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। अब डाल देने के बाद इसके ऊपर फिर से मुझे स्क्वायर नॉट लगा लेना है। बस पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस ही मैक्रम का जो स्क्वायर नॉट लगाते हैं ना वैसे ही है, बस ये मिनी मैक्रम है तो मिनी मैक्रम में मिनी स्क्वायर नॉट लगा दिया। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर नॉट लगाऊंगी और इसको इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करूंगी एक के बाद एक करके। पहले 2 ब्लैक, फिर मैंने वाइट और ब्लैक कलर का मोती यूज़ किया है, फिर और एक ब्लैक यूज़ करूँगी। ठीक है, ऐसे करके पूरा प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को मैं कंप्लीट करूँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए आगे आगे कैसे क्या करते हैं। ओके, बस यहाँ पे मेरा जो ब्रेसलेट है कंप्लीट हुआ है। आप लोग चाहे तो इसको और भी लॉन्ग बना सकते हो, लेकिन मेरे हाथ के हिसाब से यही काफ़ी है। और इसका दोनों साइड से जितने भी थ्रेड बाकी थी उसको मैंने कट कर दूंगी और पीछे एक नॉट लगाऊंगी
सॉरी एक बीट डालूंगी और बीट डालने के बाद पीछे की ओर एक नॉट लगा दूंगी, ठीक है। ऐसे ही नॉट लगा दिया, अब साइड वाला जितने भी धागे हैं उसको कट करके मैं लाइटर की मदद से स्टिक करूंगी। स्टिक करना हो गया है मेरा। अब देखिए पीछे की ओर जो हमारा बीट बाकी है, दो बीट और यहाँ पे धागा, तो इनको मैं ऐसे करके एक साथ ले लूँगी, मतलब चार धागा एक साथ ले लिया मैंने। अब इसके ऊपर से हमें और एक येलो कलर का थ्रेड लेना है, हाफ मीटर का, और एक येलो कलर का थ्रेड लेके इसको डबल करके इसके ऊपर से हमें वही स्क्वायर नट लगा लेना है, ठीक है। और इसको ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप अगर आप लूज़ भी करना चाहते हो तो ब्रेसलेट को ऐसे लूज़ करके पहन सकते हो, आप लोग ऐसे भी ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लूज़ टाइट करने वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप खोल भी सकते हो बार बार, पहन भी सकते हो बार बार, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टाइट और थोड़ा सा लूज़ हो गया तो उसको आप इसकी मदद से ठीक कर सकते हो। तो ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको करना ज़रूर ज़रूर करना, तो वो अच्छे से सेट होगा। और अगर आप लोग एक बार धागा लगा लोगे ना तो फिर वो बार बार वो नॉट लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छा तो ये है। तो इसको भी मैं कर लूँगी एक के बाद एक स्क्वायर नॉट लगा के। यहाँ पे मैं 5-6 स्क्वायर नॉट लगाऊंगी, उसमें ही काफ़ी है, उसमें इसका ब्रेसलेट का जो काम है वो बहुत अच्छे से कर देगा। और ये मैक्रम जो मैंने लिया है बहुत ही सख्त है, इसको आप अगर नहीं कट करोगे तो ये टूटेगा नहीं, मतलब टूटने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसको बहुत ही ये हार्ड है, और इसको मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद यहाँ पे मैं स्टिक करूँगी और हमारा ब्रेसलेट बिल्कुल अब रेडी है। तो चलिए दिखाती हूँ हाथ पे पहनने के बाद कैसे लगते हैं। ये देखिए मैंने अपने हाथ पे इस ब्रेसलेट को पहना है और आप लोग देखिए कितना प्यारा लुक दे रही है, मतलब ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग चाहे तो पार्टी में भी पहन के जा सकते हो या फिर डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो इसको रेगुलर यूज़ करने वाली हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँ आप तक वो सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर पसंद भी आए ना थोड़ी सी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।